नमस्कार, आप देख रहे हैं बागेश्वर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ लता। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बागेश्वर के जिला अस्पताल में पिछले 10 दिनों से अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था नहीं होने से लोगों के लिए परेशानी बढ़ गई है और आए दिन अस्पताल पहुंच रही गर्भवती महिलाओं और मरीजों को अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं मिलने से जिले से बाहर इलाज कराने को मजबूर होना पड़ रहा है। दरअसल पिछले 30 सितंबर से जिला अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट का पद खाली चल रहा है। मामले को लेकर आज जिला पंचायत उपाध्यक्ष नवीन परिहार के साथ अन्य लोग जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन देकर जिलाधिकारी से जिले में रेडियोलॉजिस्ट की तैनाती की मांग की गई। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने इस दौरान 5 दिन के अंदर रेडियोलॉजिस्ट की तैनाती नहीं किए जाने पर आमरण अनशन करने की चेतावनी भी दी है। तो वहीं इस मौके पर अपर जिलाधिकारी हेमंत कुमार वर्मा ने बताया कि रेडियोलॉजिस्ट के लिए चिकित्सा विभाग की ओर से कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत जल्द ही रेडियोलॉजिस्ट की तैनाती भी करा दी जाएगी। उसके बाद सीएमओ साहब को बता दिया गया है, तो उन्होंने मांग की है रेडियोलॉजिस्ट की, जैसा उन्होंने बताया शीघ्र ही तैनाती उसमें हो जाएगी। सर्वप्रथम तो हम लोग यहाँ पर जो मेन समस्या हमारी है जिले में, जो हमारा यहाँ पर जिला अस्पताल है वहाँ पर जो है रेडियोलॉजिस्ट काफ़ी समय से नहीं होने पर क्षेत्रीय जनता को जो हो रही परेशानी को देखते हुए आज मेरे द्वारा यहाँ पर क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के साथ साथ क्षेत्रीय जनता को लेकर जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया गया है। अगर यह 5 दिनों के अंदर अगर यहाँ पर रेडियोलॉजिस्ट की अगर व्यवस्था नहीं की जाती है तो हम सभी जनप्रतिनिधि मिलकर क्षेत्रीय जनता मिलकर क्रमिक अनशन में बैठने को बाध्य रहेंगे। उनको काफ़ी दूर जाना पड़ रहा है, इसके लिए हल्द्वानी रानीखेत अल्ट्रासाउंड के लिए जाने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है और काफ़ी समय से ये समस्या उठ रही है और जनता काफ़ी इससे परेशान है। आज माननीय जिला उपाध्यक्ष प्रेम कुमार जी के साथ हम भी यहाँ पर आए, मैं भी जिला पंचायत प्रतिनिधि के रूप पर यहाँ पर आया और एडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा। बड़ी समस्या है कि गरुड़ में भी काफी समस्या रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। बागेश्वर जिले में बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर अब प्रशासन सतर्क हो गया है। प्रशासन की ओर से जिले में लगातार जांच की दर बढ़ा दी गई है। वहीं बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बी डी जोशी ने बताया कि जिले से आज कोरोना संक्रमण की जांच के लिए 345 लोगों के सैंपल भेजे गए हैं। तो वहीं अब तक जिले से 20,736 लोगों के सैंपल भेजे जा चुके हैं और इसके अलावा अभी तक जिले में कोरोना के 707 पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 621 मरीज ठीक होकर घर वापस लौट चुके हैं। तो वहीं बचे हुए 83 संक्रमित मरीजों का इलाज कोविड अस्पताल में किया जा रहा है और इसके अलावा जिले में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं जानकारी मिलने तक जिले में कोरोना के 9 नए मामले सामने आए हैं, साथ ही साथ 16 मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया गया है। बागेश्वर जिले में भी आज जिलाधिकारी विनीत कुमार ने विकास भवन परिसर में कोविड 19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को शपथ दिलाई है। इस दौरान उन्होंने वहां पर मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों को कोविड 19 के रोकथाम और बचाव के लिए जागरूकता अभियान चलाने के साथ ही सावधानियां बरतने के लिए कहा। इसके अलावा जिलाधिकारी ने कोरोना से बचाव के लिए मास्क और फेस कवर पहनने के साथ ही कोविड के लक्षण महसूस होने पर तुरंत डॉक्टर की सलाह लेने की भी अपील की है। आंदोलन की शुरुआत आज हो रही है, जिसमें प्रचार प्रसार जो है वो सभी जो हमारे ऑफिसर्स हैं, सभी जो लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, सभी को जोड़ते हुए जन आंदोलन करेंगे और उसी का जो प्रारंभ है आज हमने शपथ से करी है, जिसमें आज हमने हमारे विकास भवन के जितने भी ऑफिसर्स हैं उनको शपथ दिलाई है। इसी प्रकार सारे जितने भी हमारे विभाग हैं वहाँ पर शपथ दिलाई जा रही है। ये शपथ का पर्पस यही है कि जो बेसिकली हमारी गाइडलाइंस है कोविड की, वो गाइडलाइंस को हम फॉलो करें और साथ साथ में जो 2 गज की जो दूरी बनानी है वो हम बनाए रखें, जो साबुन हाथों को बार बार धोने का हम कोशिश करते रहें, बार बार हाथ धोते रहें और साथ में जहाँ पे भी हम सार्वजनिक लोकेशन में जाते हैं, सार्वजनिक जगह पे जाते हैं तो मास्क वगैरह हम पहने और अगर हमें कोई लक्षण वगैरह हमारे अंदर आते हैं तो तुरंत जो है हम लोग डॉक्टर से इसका मिलके इसका हम लोग हमारा टेस्टिंग करवा लें। तो इसी का ही आज हमने शुरुआत इसकी की है और इसको अगले 1 महीने तक हम इसको जोरों शोरों से इसको इसका प्रचार प्रसार करेंगे। इसके लिए हमने प्लान भी बनाया है जो ऑलरेडी हमने शासन को भी भेजा है, जिसमें हमारे पास काफ़ी धनराशि ऑलरेडी ICU मद के अंतर्गत उपलब्ध है,
और बाकी अगर और भी धनराशि के लिए हमने मांग करी है। बागेश्वर में आज 7 क्षेत्र की समस्याओं को लेकर क्षेत्र पंचायत सदस्य घनश्याम तिवारी ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। उनका कहना है कि 1999 में स्वीकृत की गई शहीद रमेश सिंह परिहार के नाम की सड़क अभी भी उनके गाँव तक नहीं पहुँच पाई है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि 7 रनवे से सिमी नरगोल सड़क का मिलान होना था, लेकिन सड़क निर्माण का कार्य अभी भी आधा अधूरा पड़ा हुआ है। इस दौरान क्षेत्र पंचायत सदस्य ने जिलाधिकारी से संबंधित विभाग को निर्देशित कर सड़क निर्माण का कार्य जल्द से जल्द शुरू करने की मांग की है। इस क्षेत्र में तो समस्याओं का अंबार है, चाहे सड़कों का मामला हो, पेयजल मामला हो और प्रधानमंत्री आवासों का मामला हो, कई प्रकार की समस्याएं हैं। आज हम मुख्य रूप से यहाँ पर सड़क के संदर्भ में और जो सिमी नरगोल वाली सड़क है उस पर जो लोगों को मुआवजा नहीं मिला है उसके संदर्भ में आए, और हमारे साथ माननीय उपाध्यक्ष जी, ग्राम प्रधान धंगेड़ी कैलाश जोशी जी हैं और हमारे साधु ग्राम सभा के ग्राम प्रधान यहाँ पर है। तो ठीक है, उन्होंने जो कहा है ना वो डीएम साहब को ज्ञापन दिया है, अब डीएम साहब जैसा सुनिर्देश करेंगे वही आगे कार्रवाई की जाएगी। बागेश्वर की नगरपालिका में सरकार की ओर से मनोनीत 2 सभासदों को विधायक और नगरपालिका अध्यक्ष की मौजूदगी में शपथ दिलाई गई। इस दौरान नगरपालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल ने मनोनीत सभासदों से अन्य सभासदों के साथ मिलजुल कर काम करने की बात कही है। वहीं विधायक चंदन राम दास ने मनोनीत सभासदों को पूरी निष्ठा से अपना काम करने के निर्देश दिए हैं। आज नगर पंचायत कपूर में इस कोरोना काल के दौरान एक सूक्ष्म कार्यक्रम जो शासन द्वारा नामित सभासद के तौर पर हमारे बड़े भाई रियाल ऐठानी जी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएगी, जिसमें आज हमारे पूर्व विधायक परम आदरणीय ललित फरसवाण जी, पूर्व जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय हरीश ऐठानी जी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख आदरणीय मनोहर राम जी की उपस्थिति में और समस्त हमारे सभासदों की उपस्थिति में यह एक सूक्ष्म कार्यक्रम रखा गया। निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि माननीय सभासद हमारे दयाल ऐठानी जी इस नगर क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए अपने दायित्व के निर्वहन के साथ इस नगर क्षेत्र को पूर्ण रूप से अपना योगदान देंगे। और शासन ने प्रत्येक नगर पालिकाओं में कुछ सदस्य नामित किए हैं। बागेश्वर नगर पालिका परिषद में श्री मोहनचंद उप्रेती जी और मुन्ना पांडे को यहाँ जो हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं सरकार की ओर से नगर पालिका में नामित सदस्य किया है जिनका आज शपथ ग्रहण समारोह था। सबसे पहले तो मैं पार्टी संगठन और हमारे क्षेत्रीय विधायक आदरणीय चंद्र रामदास जी, जिला अध्यक्ष शिव सिंह मिश्र जी और समस्त पार्टी क्षेत्र में हमारे जितने भी ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ कार्यकर्ता हैं उन सबका धन्यवाद अदा करना चाहता हूं कि आज उन लोगों की बदौलत हमें सम्मान मिला हुआ है। जैसे कि अभी मैं सबसे पहले अपने प्रदेश सरकार को, अपने संगठन के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं और इस महान संगठन के सभी कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद देता हूँ जिन लोगों ने मुझे इस लायक समझा। नगर पंचायत के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय श्री गोविंद सिंह बिष्ट जी के नेतृत्व में आज उत्तराखंड सरकार द्वारा नामित सभासद आदरणीय श्री दयाल सिंह ऐठानी जी को शपथ ग्रहण सभा कार्यालय में कराई गई, जो नगर पंचायत का कार्यालय था। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष और सभी सम्मानित वार्ड सदस्य यहाँ पर उपस्थित थे और हम सब लोगों ने आदरणीय दयाल भाई ऐठानी जी को निश्चित तौर पर विश्वास दिलाया है कि जो भी हम सब लोगों के लायक काम होगा हम आपके कंधे से कंधा मिलाकर उन कामों को करने पर आपके साथ खड़ा उतरेंगे। जरूर आज हमारे 2 मनोनीत सदस्य, हमारे मोहनचंद उप्रेती और हमारे बड़े भाई मुन्ना पांडे जी आज यहाँ पर सरकार द्वारा मनोनीत हुए हैं, जिनका कि आज यहाँ पर शपथ ग्रहण कार्यक्रम था और उन्हें यहाँ पर शपथ दिलाई गई और हमारे माननीय विधायक जी शपथ कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित थे। मैं धन्यवाद दूंगा विधायक जी का और हमारे दोनों जो मनोनीत सदस्य हैं उनका भी मैं स्वागत करता हूँ नगर पालिका परिवार में। बागेश्वर में जिला पूर्ति विभाग अब लोगों के राशन कार्ड कैंप लगवाकर अपडेट करवा रहा है और इस बारे में जानकारी देते हुए जिला पूर्ति अधिकारी अरुण कुमार वर्मा ने बताया कि विभाग की ओर से राशन कार्ड अपडेट करने के लिए गरुड़ और कपकोट में कैंप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिले में फिलहाल 97% कार्ड ऑनलाइन है, जबकि 3% कार्ड को ऑनलाइन करने के लिए ये कैंप लगाए जा रहे हैं।
जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जनपद में लगभग 66,000 राशन कार्ड हैं और जो सरकार के और शासन के जो दिशा निर्देश हैं कि 15 अक्टूबर तक सभी राशन कार्ड जो हैं हमारे यहाँ ऑनलाइन हो जाने चाहिए, मतलब सभी राशन कार्ड के जितने भी यूनिट हैं वो आधार से वैलिडेट हो जाने चाहिए। तो इस रिगार्डिंग काफ़ी दिनों से मांग थी कि कपकोट में और गरुड़ में कैंप लगाए हैं, तो इसे देखते हुए जिलाधिकारी के निर्देशानुसार कपकोट ब्लॉक में जो विकासखंड कपकोट हैं वहाँ सभागार में और विकासखंड गरुड़ के सभागार में कैंप लगाए गए हैं, वहाँ ऑपरेटर तैनात किए गए हैं। उस संबंध में जो भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने राशन कार्ड में मॉडिफिकेशन कराना चाहता है, अपनी यूनिट ऐड कराना चाहता है या फिर डिलीट कराना चाहता है या फिर कोई यूनिट ऐसी है जिसे ऑनलाइन कराना चाहता है, तो इसके रिगार्डिंग वो विकासखंड कपकोट या विकासखंड गरुड़ में अपने डॉक्यूमेंट लेकर ऑनलाइन करा सकते हैं। वहीं बागेश्वर जिले में बढ़ते कोरोना मामलों की तैयारी को लेकर जिलाधिकारी विनीत कुमार ने बताया कि बीते दिनों कोविड 19 केयर सेंटर बनाने को लेकर प्रशासन की ओर से निरीक्षण किया गया था। वहां पर उन्होंने बताया कि कोविड 19 केयर सेंटर में 100 बेड की डिमांड रखी गई है, जिसके लिए जिलाधिकारी नैनीताल को अवगत भी करा दिया गया है। हमारा जो एस्टीमेट था वो हमारा बन गया है, जो पीडब्ल्यूडी विभाग है उनके द्वारा भी इसमें टेंडर फ्लोट कर दिया है और इसके बाद में हमें वहाँ पे 100 बेड्स की जो डिमांड है वो हमने डीएम नैनीताल को ऑलरेडी प्रेषित कर दिया है कि हमें 100 बेड्स की यहाँ पे आवश्यकता है। तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा अभी 500 बेड्स जो है वो नैनीताल ज़िले को उपलब्ध करवाए गए, तो उन्हीं में से हमें 100 बेड्स के लिए हमने डिमांड करी है। वहीं बागेश्वर जिले के बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए सरकार की पहल जारी है। वहीं आज जिलाधिकारी विनीत कुमार की अध्यक्षता में जिला स्तरीय टास्क फोर्स की ओर से मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत आवेदकों का साक्षात्कार लिया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत जिले के 106 लोगों की ओर से ऑनलाइन आवेदन किया गया था और इस दौरान 63 आवेदक साक्षात्कार में शामिल हुए हैं, जिनमें से 53 आवेदकों को व्यवसायों के लिए 1,14,76,000 का ऋण दिया गया है। और इसी के साथ बागेश्वर बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 13 उत्तराखंड। नमस्कार। हर खबर में होगी हमारी नजर, खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।